मोबाइल का इन्वेंशन किस लिए हुआ? मोबाइल का इन्वेंशन इसलिए हुआ कि अगर आपका बच्चा घर पर अकेला है और बोर हो रहा है तो आप उसको मोबाइल दे सकें ताकि वो आराम से कुछ कंटेंट देख सके। अगर आपका छोटा सा बच्चा घर में खाना ना खा रहा हो तो आप उसको कैंडी क्रश, यूट्यूब या अदर वीडियो कंटेंट देकर या नर्सरी राइम्स लगाकर उसको खाना खिला सके। लॉकडाउन के समय जब आपका बच्चा घर पर अकेला है, बोर हो रहा है, तो आप उसको वेरियस गेम्स, वीडियोस, कंटेंट प्रोवाइड कर सकें ताकि वो घर पर अकेला महसूस ना करें। मोबाइल का इन्वेंशन इसलिए हुआ। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो शायद आपको, मुझको, हम सबको दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप, मैं और हम सब जिम्मेदार हैं। 70% 12 साल और उससे ऊपर के बच्चे और 53% 11 साल तक के बच्चे जो कि मोबाइल यूज करते हैं। शायद उस मोबाइल की गलती नहीं है, गलती हम सब की है। तो आइए इस न्यू ईयर हम सब एक मिलकर रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब जो हमारा बच्चा घर में बोर हो रहा होगा तो हम उसको मोबाइल नहीं, एक बुक ला कर देंगे। जब हमारा छोटा सा बच्चा अगर घर में खाना नहीं खा रहा होगा तो हम उसको मोबाइल पर कैंडी क्रश या वीडियो नहीं, बल्कि हम उसको कोई पिक्चर बुक या खुद के मुँह से गाई हुई राइम्स सुना कर खाना खिलाएंगे। जब हमारा बच्चा लॉकडाउन में अकेला बोर हो रहा होगा तो हम उसको वीडियो गेम्स नहीं, बल्कि हम उसके साथ फिजिकल गेम्स जैसे कि चेस, सांप सीढ़ी, लूडो, बिजनेस, व्यापार, एनी गेम्स वी सेट एंड वी प्ले टुगेदर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम अपने आप लोगों से दूर हो जाते हैं। बच्चों को एटलीस्ट उनके बचपन से दूर रखें। लेट्स मेक अ रेजोल्यूशन दिस न्यू ईयर कि अब हम बच्चों को उनके बचपन से दूर नहीं करेंगे। विल ब्रिंग देम क्लोजर and closer to each and everyone, the more physical social networking. Happy New Year to all of you.